हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ रूबिया साजिद, वेलकम्स यू बैक टू माय चैनल माय पैशन फॉर कुकिंग। सबसे पहले गाइस, विशिंग यू ऑल अ हैप्पी रमदान करीम, होपिंग एंड प्रेइंग एवरी वन ऑफ अस आर सेफ एट आर प्लेस। मे अल्लाह ब्लेसेस ऑल विद गुड हेल्थ, आमीन। So just for a change, I have filmed the iftar recipe, which is chicken spring roll, जो बहुत ज़्यादा delicious है खाने में और बनाने में बहुत आसान। अगर आपको आज की recipe अच्छी लगे तो please guys don't forget to like, share and subscribe to my channel. So guys, without further ado, let's begin our recipe. सबसे पहले इसमें जाएगा red chili powder 1/2 teaspoon, गरम मसाला पाउडर 1/2 teaspoon, हल्दी पाउडर 1/4 teaspoon, नमक 3/4 teaspoon, चाट मसाला 1/2 teaspoon एंड तंदूरी मसाला विच इज़ ऑप्शनल, इट इज़ 1/2 teaspoon। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हम ऐड करेंगे हमारे चिकन ब्रेस्ट के ऊपर। हमने यहाँ पर यूज़ किया है 2 chicken breast, विच इज़ समवेयर अराउंड 400 grams, और इसे वॉश करके अच्छे से पैड ड्राई कर लिया है। और जैसे आप देख रहे हो, इस पर हम सारा मसाला फ्लिप एंड टर्न करके कोट कर देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक नॉनस्टिक पैन और उसमें ऐड कर देंगे 1 tablespoon उतना ऑयल और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और ये हमारा कोटेड चिकन ऐड करके इसमें, यस गाइस, बिल्कुल इस तरीके से ऐड कर देंगे और इसे फ्लिप ओवर करते हुए ऑलमोस्ट फॉर 10 to 15 minutes इसे हम ढक कर पका लेंगे। जब आप देखो कि हमारा चिकन कम्प्लीटली टेंडराइज हो गया है, तब आप ग्रैब कर लीजिए 2 forks और बिल्कुल इस तरीके से हमारे चिकन को कम्प्लीटली श्रेड कर लीजिएगा। हल्के हाथों से भी चिकन को खोलने से ये खुल जाता है। और अब हम इसे एक साइड पर कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 1/2 tablespoon उतना ऑयल और ऑयल को गर्म होने देंगे। फिर आप देख लीजिए, हमने यहाँ पर कैरेट, कैप्सिकम और कैबेज को जुलियन साइज में काट लिया है। फर्स्ट हम ऐड करेंगे कैरेट और इसे सॉटे कर लेंगे ताकि ये हल्का सा पक जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च और हमारी बंद गोभी। फिर इसी के साथ साथ हम ऐड कर देंगे नमक 1 teaspoon, सोया सॉस 1.5 tablespoon, ब्लैक पेपर पाउडर 3/4 teaspoon और नींबू आधा, या फिर आप 1 tablespoon उतना विनेगर ऐड कर सकते हो। बिल्कुल इस तरीके से हम कम्प्लीटली इसे अच्छे से टॉस कर लेंगे गाइस, एंड वी आर डन। मिक्सचर को कम्प्लीटली कूल होने देंगे अब। सो गाइस, अब हम यहाँ पर मैदे की स्लरी बनाकर रेडी करेंगे। जैसे कि 2 tablespoon उतना मैदा हो गया और 1/2 cup उतना पानी ऐड करके लम्प फ्री बैटर बना लेंगे। ये हमें हमारे रोल्स को बाइंड अप करने में हेल्प करेगा, बिल्कुल इस तरीके से, देखिए। सो गाइस, फॉर मेकिंग चिकन रोल्स हम यहाँ पर रेडीमेड स्प्रिंग रोल शीट्स यूज़ कर रहे हैं बाय द कंपनी स्विस। दिस इज़ वेजिटेरियन गाइस, आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो, विच आर इजीली अवेलेबल इन आर नियरेस्ट सुपरमार्केट्स। सो गाइस, हम एक शीट लेंगे और डायगनली प्लेस कर लेंगे और बिल्कुल इस तरीके से, लाइक 1 tablespoon उतना मिक्सचर जो कम्प्लीटली कूल्ड है इसे हम ऐड करेंगे। देखिए, बिल्कुल इस तरीके से शीट पर प्लेस कर लीजिएगा और इसे एडजस्ट करके इसका कॉर्नर से आप लिफ्ट कीजिएगा, बिल्कुल इस तरीके से। और मैदे की स्लरी दोनों साइड अप्लाई करके इसे कम्प्लीटली गाइस ध्यान से इसे सील कीजिएगा, बिल्कुल इस तरीके से जैसे अभी आप देख रहे हो, वरना हमारा ऑयल इसके अंदर जा सकता है एंड आपके रोल्स कम्प्लीटली ऑयली हो सकते हैं। तो बी केयरफुल वाइल फोल्डिंग दिस, बिल्कुल इस तरीके से, देखिए। तो इट्स कम्प्लीटली पैक्ड राइट नाउ। सो
सो ये देखिए गाइस, हमारे रोल्स बनकर तैयार हो गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 34 to 35 रोल्स थे और अब हम यहाँ पर इसे क्लिंग रैप में पैक कर देंगे ताकि ये हाफ एन आवर के लिए हमारे रेफ्रिजरेटर में रिलैक्स करे। तो चलिए गाइस, अब हम यहाँ पर ऑयल को हीट अप करते हैं। सो ये देखिए गाइस, हमारे रोल्स कम्प्लीटली फ्रीज होकर तैयार हो गए हैं और आप इसी तरीके से इसे डीप फ्रीज करके ऑलमोस्ट फॉर 2 वीक्स के लिए रखकर यूज़ कर सकते हैं। जब आपके ऑयल हल्का गर्म हो जाएगा तब आप इसमें रोल्स को ऐड कर दीजिएगा। मेक श्योर यू डोंट ओवर क्राउड और याद रखिएगा कि आपका फ्लेम लो टू लो हो। और अब हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक के लाइट गोल्डन कलर में ना आ जाए, बिल्कुल इस तरीके से गाइस। और डोंट फॉरगेट टू ड्रेन देम ऑफ ऑन अ पेपर टॉल ताकि इसका एक्सेस ऑयल हटा दें। सो यस गाइस, जैसे कि आपने देखा, दिस आर द चिकन स्प्रिंग रोल्स जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है खाने में और बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा आसान। अपने घरों में इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट मंथ में, तब तक के लिए गाइस मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मच लव गाइस, God bless you all. Assalamu alaikum.